भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वादे सैदपुर में बम विस्फोट में रामसर के रहने वाले धर्म सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि घायल अपने ससुराल वादे सैदपुर आया हुआ था और घर में अकेला था, इसी बीच विस्फोट हो गया। इन लोगों का कहना है कि घर में पटाखा रखा हुआ था जिसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण वो घायल हो गया। वहीं घटना के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था। वहीं घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई कि आखिर यह पटाखे का विस्फोट था या फिर यहां पर बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। वहीं इस मामले पर पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। घायल हुआ कौन है? जिया जी मेरा। कैसे हुआ? पटाखा का पेटी रखा हुआ था, पेटी ब्लास्ट हो गया। कहाँ पटाखा था? घर पे। हमारे घर पे। कहाँ घर कहाँ? सैदपुर। पटाखा किसने रखे थे? पता नहीं किसने रखा, हम लोग तो सब बिहार में दान काटने गए थे जी। आज कुछ नहीं, पटाखा था कि बम था? नहीं पटाखा था, बम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो खुद दान काटने कोई घर में नहीं थे। पटाखा क्यों रखे थे? पता नहीं क्या गया, अब वही बता सकता है ना, हम लोग तो कोई भी घर में नहीं थे। घर में था कि जीजा जी लेके आए थे? अब वही बता सकते हैं क्या हुआ, हम लोग कोई घर में नहीं थे, सब धान काटने सब गए थे। घर के भीतर हुआ है तुम्हारे? अब पता नहीं किधर हुआ है, तो हम वहाँ पे आए तो दिखते हैं मेरा घर के आगे। जानकारी कैसे मिला कि घायल हो गए हैं? घायल हुआ सब हल्ला हुल्ला हो गया, तब हम वहाँ हम लोग खबर आए तो खेत पे गए थे, आसपास के लोग से जानकारी मिली। अच्छा ये बताओ विस्फोट जो हुआ है उसका धमाका जो था, उस विस्फोट का गूंज कितना था, आवाज कितनी थी? ये हम लोगों ने सुना। घर में क्या बर्बाद हुआ है, विस्फोट से क्या क्या बर्बाद हुआ है? बर्बाद तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो कहाँ आंगन में विस्फोट हुआ, कमरा में विस्फोट हुआ, कहाँ विस्फोट हुआ? ये सब वही सब अब वही अब वही सब पता है। पति का क्या हुआ है मामला? भागलपुर में थे हम, अब वहाँ था मेरा गांव में, मेरा माइकिया गया था जी। कहाँ है माइकिया आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर में कहाँ? सैदपुर में। घटना क्या हुई है? हम नहीं देखे, बाबा नौ थे माइकिया में। पति कहाँ थे? पति था वहाँ पर, माइकिया मेरा, हम नौ भागलपुर में काम करते। क्या करती हैं आप? पति क्या करते हैं आप? रंग पेंट का काम करते हैं। आपके मायके में घटना घटी है? हाँ मेरा मायके। तो आपके मायके में क्या हुआ? हमको नहीं पता। मायके में माँ बाप बताओ? अरे हम तो भागलपुर में मिले हैं, पूरा दूर से लेकर आ रहा था। माँ बाबू जी बताए नहीं क्या हुआ? नहीं अगर माँ बाबू पास क्या हुआ है, क्या हुआ है, हुआ क्या है, उन्हीं को पता होगा सर, हम नहीं। आप जो रास्ते में लेकर आई तो नहीं देखी क्या हुआ है? पूरा हाथ उधर जाखा मछली है, कैसे हुआ उसी पूछे। नहीं कभी कभी भी नहीं, कोई केस नहीं, रंगपेट का काम करता है मेरा पति। कहाँ घर हुआ आपके पति? रामसर। रामसर यहाँ उर्दू बाजार रामसर। हाँ मुझे आ गया। भागलपुर के ट्रिपल आईटी के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ऑनलाइन समारोह को संबोधित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद और समाजसेवी पद्मश्री बिमल कुमार जैन ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दीक्षांत समारोह में 2017-21 बैच के 67 बीटेक पास आउट स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं सेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर व ओवरऑल चैंपियन क्रमशः गुंजन कुमारी, अमन मिश्रा व कनिष्क त्यागी को एक एक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं तीनों ब्रांच के टॉपरों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। इस अवसर पर छात्र शिक्षक ड्रेस कोड में नजर आए। ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने कहा कि 67 बच्चों को डिग्री मिली है, जिसमें से 39 बच्चे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के थे, 28 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के थे। 3 छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने और माननीय शिक्षा माननीय बीओजी चेयरमैन ने जी ने जो हमारा जो वर्क है, जो कोरोना के लिए हमने जो काम किया है, उस सॉफ्टवेयर की जो प्रशंसा की, हमें उससे बल मिलता है कि इनोवेशन और रिसर्च के एरिया में हम और काम करें। और एक हमारे अधिकारियों से जिस तरह का सपोर्ट मिलता है तो अंदर से आत्मबल आता है, हम और आगे इससे भी अच्छा और काम करते रहेंगे। आज भागलपुर के इससे ट्रिपल आईटी में आने का मौका मिला है। आज कन्वोकेशन का दिन था, यहाँ आज पहला बैच अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहा है। सबसे पहले तो उन सबों के मंगलमय जीवन की शुभकामना देता हूँ। साथ ही देश के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, 75 सालों में नहीं हुआ, कम से कम नई पीढ़ी के साथ आने वाले
आज़ादी का जब 100 वर्ष होगा उस समय तक हमारा पूरा देश गरीबी से, महामारी से, विपन्नता से मुक्त हो जाए, ऐसी इन विद्यार्थियों से जो जीत आज कन्वोकेशन के बाद जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनके माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारा देश राम राज्य के दिशा में बढ़े, इसी आज के लिए यही शुभकामनाएं हमारी। ये जरूर है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने 20 जिल प्रांतों में इस ढंग के IITs को, IIITs को खोला है, जिसके माध्यम से समाज में आवश्यकता जो है, जिस भी ढंग की टेक्निक की आवश्यकता है उसको पूरा करने में ये सभी इंस्टीट्यूट्स कारगर साबित होंगे और एक सपनों का भारत वास्तविक भारत के रूप में बनेगा। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में किसानों की स्थिति का जायजा लेने DDC प्रतिभा रानी अपने दल बल के साथ प्रखंड के क्षेत्र के किसानों से मिली और मौके पर क्षेत्र में जाकर किसानों की फसल का जायजा लिया। उन्होंने प्रयोग के तौर पर 10 गुना 5 मीटर क्षेत्र में धान को काट कर पाया कि 24 किलो 300 ग्राम धान उपलब्ध हुआ। इस तरह उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 8 क्विंटल धान की उपज क्षेत्र में हुई है, जो किसानों के लिए अच्छी बात है। DDC खुद अपने से धान की कटाई की और कुछ समय रुककर धान की तैयारी करते देख रही थी। जगदीशपुर प्रखंड के क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है एवं कतरनी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आज बंजर बन चुका है। इस बाबत उन्होंने कहा कि कतरनी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कतरनी हेतु भी पहल की जाएगी। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी, कृषि पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद, CEO अशोक मंडल, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं कई किसान उपस्थित थे। हाँ, संतुष्ट हैं। किसान के द्वारा बताया गया कि उनको जो है इस बार अच्छी उपज वाला सीड मिला था, उसके कारण वो बता रहे हैं कि फसल भी अच्छी हुई है। 125 लगभग जिसमें ये एक्सपेरिमेंट करके फसल काटा गया, वहाँ से 24.5 किलो अनाज हुआ है। उस हिसाब से लगभग 4800 kg पर हेक्टेयर आता है, जो कि काफ़ी अच्छी उपज मानी जाएगी और किसान भी इसे संतुष्ट है। सिंचाई की व्यवस्था के बारे में किसानों से हम बात करते हैं और अगर जो भी व्यवस्था की जा सकती है उसके बारे में फिर हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शनिवार रात करीब 10 बजे नाथनगर पहुंचे, जहां यूथ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पूरे सुभाष पार्क को तरह तरह के लाइट से सजाया गया था। वहीं चारों तरफ दीप जलाए गए। तत्पश्चात उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान है। फिर उप मुख्यमंत्री अपने ससुराल गोलदार पट्टी गए। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नशा मुक्त बिहार बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व भी प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में शराब न पीने की शपथ खाई थी और पूरे बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आपको जो यह तस्वीर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर भागलपुर के कोतवाली थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर का है, जहां पर एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर काफी देर तक मुख्य सड़क पर हंगामा करते नजर आया और पर्वती में शराब बेचे जाने की बात करते हुए खुद को UP का रहने वाला बताते हुए अपना नाम गोपाल मंडल बताया और अपना ससुराल भागलपुर के उल्टा पुल के समीप होने की बात बताई। यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि किस तरह शराबी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती के सड़क के रास्ते हंगामा करते कोतवाली थाने के समीप पहुंचा। एक और जहां पुलिस को जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहने और शराबियों की नकेल कसने का जिम्मा दिया गया है, वहीं भागलपुर पुलिस उसमें फिसड्डी साबित हो रही है।